सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दिल्ली कैपिटल्स के ऑक्शन स्ट्रेटजी के बारे में बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो फिर चलो आज फाइनली बात कर ही लेते हैं। देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम किन किन प्लेयर्स के ऊपर टारगेट करने वाली है, पर्टिकुलरली किन पोजीशंस के लिए उनको प्लेयर्स खरीदने हैं, बैकअप खरीदने हैं, सब कुछ इन डिटेल बात करने वाले हैं। सो इन शॉर्ट, ये है आईपीएल 2020 के ऑक्शन स्ट्रेटजी का एपिसोड नंबर 4 और आज कवर करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। सबसे पहले भाई आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास अभी जो पर्स बचा है वो है 27.85 करोड़ रुपीज, यानी कि लगभग आप मान लो 28 करोड़ रुपए बचे हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास, जिनमें से उनको 11 प्लेयर्स खरीदने हैं और इन 11 खिलाड़ियों में से 5 ओवरसीज खिलाड़ी खरीद सकते हैं। सो एक रफ प्लेइंग 11 बना लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने जिन प्लेयर्स को रिटेन करा है उनमें एक रफ प्लेइंग 11 क्या बनती है, तो यहां पर एक बात तो स्पष्ट है कि दिल्ली कैपिटल्स का जो टॉप 5 रहने वाला है वो इंडियन प्लेयर्स का रहने वाला है। इंडियन कोर बहुत अच्छा है। प्लेइंग 11 देख लेते हैं, तो भाई पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ओपनिंग करने वाले हैं। नंबर 3 पे खेलेंगे अजिंक्य रहाणे, जो ट्रेड होके आए हैं। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे अक्षर पटेल या हर्षल पटेल, दोनों में से कोई एक खेल सकता है। नंबर 7 पे रविचंद्रन अश्विन, नंबर 8 पे कीमो पॉल या संदीप लामिचाने, दोनों में से कोई एक। नंबर 9 पे अमित मिश्रा, नंबर 10 पे ईशान शर्मा या आवेश खान, दोनों में से कोई एक, और नंबर 11 पर कगिसो रबाडा। सो अगर आप यहां पर प्लेइंग 11 देखते हो तो आपको यही समझ आ रहा होगा कि बैटर्स की टीम बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है और उनके पास बैकअप्स भी हैं। अगर आप देखते हो तो भाई नंबर 6 के लिए उनके पास 2 खिलाड़ी है, नंबर 10 के लिए भी उनके पास 2 प्लेयर्स हैं, साथ ही में नंबर 8 के लिए भी उनके पास 2 प्लेयर्स हैं। सो भाई ठीक ठाक बैकअप है, पर अब दिक्कत क्या है, अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो है डेथ बॉलर का। इनके पास अब डेथ बॉलर्स बचे नहीं है, इन्होंने ट्रेंट बोल्ट को जाने दिया है, तो इनके पास डेथ में सिर्फ कगिसो रबाडा बॉलिंग करने वाले हैं। इसके बाद आपको पता ही है कि भाई ईशान शर्मा डेथ में कैसी बॉलिंग कर सकते हैं और आवेश खान का भी एक रिस्की ऑप्शन रहने वाला है। सो डेथ बॉलर्स इनको खरीदने ही पड़ेंगे। एक ऑप्शन बता रहा हूं, वो है जयदेव उनादकट, और ये उनादकट को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एक भी लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है और उनादकट इनको अच्छी कीमत में भी मिल सकते हैं, शायद तक कम कीमत में मिल जाए तो इनके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी और ये उनादकट को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑप्शन देख ले तो भाई एक मोहित शर्मा का ऑप्शन है, आप इनको भी खरीद सकते हो। बाकी फॉरेन ऑप्शन में तो लाइन लग जाएगी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, टिमान मिल्स, क्रिस जॉर्डन, शेल्डन कॉटरेल, मैट हेनरी, बहुत सारे नाम है, किसी को भी खरीद लो, लेफ्ट आर्म पेसर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरे रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो होने वाला है एक हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर। अगर आप देखते हो तो भाई टॉप 5 में हार्ड हिटर कौन है, श्रेयस अय्यर ठीक ठाक हिटिंग कर लेते हैं, इसके बाद ऋषभ पंत जो अच्छी हार्ड हिटिंग करते हैं, आपके पास जो नंबर 3 पे बैट्समैन है वो है अजिंक्य रहाणे, और रहाणे इतने अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है नहीं, को एक हार्ड हिटर ऑलराउंडर खरीदना ही पड़ेगा। मैंने सबसे शुरू में जब प्लेइंग 11 बताई थी तो वहां पर नंबर 6 पे अक्षर पटेल या हर्षल पटेल का नाम बताया था और नंबर 7 पे रविचंद्रन अश्विन, और भाई ये जो तीनों ही प्लेयर्स हैं ये बैटिंग तो ठीक ठाक कर लेते हैं एट दी एंड, पर एक जो हार्ड हिटिंग वाला मोड होता है वो तीनों प्लेयर्स में नहीं है, तो आपको एक हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर जो आपको आखिरी में फिनिशिंग करके दे वो खरीदना ही पड़ेगा। ऑप्शंस की बात करें तो भाई जिमी नीशम का ऑप्शन है, आप नीशम को खरीद सकते हो। मार्कस स्टोइनिस का एक ऑप्शन है, उनको खरीद लो। सैम करन है, जेसन होल्डर है और क्रिस मॉरिस है, आप मॉरिस को वापस से कम कीमत में खरीद सकते हो, तो ये कुछ ऑप्शंस है जिनके ऊपर टारगेट हो सकता है। नंबर तीन रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो होने वाला है एक मिडिल ऑर्डर का बैकअप। भाई अगर आप देखते हो तो भाई जो टॉप 5 है वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इनकी जो मिडिल ऑर्डर है वहां पर रहाणे खेलने वाले हैं, श्रेयस अय्यर खेलने वाले हैं, ऋषभ पंत खेलने वाले हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से किसी को भी इंजरी हो जाती है या तीनों में से किसी का भी फॉर्म नहीं चलता है तो आपके पास बैकअप है नहीं, तो अब बैकअप खरीदना पड़ेगा। बैकअप के रूप में आप खरीद सकते हो ओइन मॉर्गन को। दिक्कत यह है कि भाई ओइन मॉर्गन को अगर आप खरीदते हो तो भाई प्लेइंग 11 में रखना ही पड़ेगा क्योंकि एक ऊंचे दर्जे का खिलाड़ी है। अगर आप ओइन मॉर्गन को प्लेइंग 11 में रखना चाहते हो तो भाई अजिंक्य रहाणे को बाहर करना पड़ेगा। रहाणे को अगर आप बाहर करते हो तो भाई ट्रेड करा क्यों, बहुत सारी दिक्कत है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास, तो इसीलिए ओइन मॉर्गन को मत खरीदो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे आपकी टीम में। इसके बाद शिमरन हेटमायर का ऑप्शन है जो एक परफेक्ट बैकअप ऑप्शन है, हेटमायर को खरीद सकते हो। रॉस टेलर का ऑप्शन है, आप टेलर को भी बैकअप के रूप में खरीद सकते हो। और एक जेपी डुमिनी का ऑप्शन है, डुमिनी आपको एट दी एंड थोड़ी बहुत बैटिंग करके भी दे सकते हैं, आप इनको डाउन दी ऑर्डर भी खिला सकते हो और ये आपको बीच में ओवर्स डाल के भी दे सकते हैं। सो डुमिनी का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। इसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो वो होने
वाला है एक ओपनर का बैकअप, इनके पास ओपनर का भी बैकअप है नहीं, शॉ और धवन ओपनिंग कर रहे हैं तो भाई इनके पास बैकअप नहीं है। अगर आप बोलते हो कि भाई अजिंक्य रहाणे ओपनिंग कर लेंगे, अगर दोनों में से किसी को भी कुछ होता है तो भाई फिर आपको मिडिल ऑर्डर में बैकअप खरीदना पड़ेगा, इसीलिए आपको ओपनर के लिए बैकअप खरीदना ही पड़ेगा, जिसमें नाम है जेसन रॉय और टॉम बैंटन। जेसन रॉय के साथ वही दिक्कत है, जेसन रॉय भी ऊंचे खिलाड़ी हैं, इनको खरीदते हो तो भाई प्लेइंग 11 में रखना पड़ेगा, इसीलिए टॉम बैंटन का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। टॉम बैंटन एक सेफ ऑप्शन भी रहने वाले हैं, बैंटन को आप एज अ बैकअप बिल्कुल से खरीद सकते हो। सो ये ऑप्शन है, बाकी तो भाई ओपनर्स में आपको अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाएंगे, कोई भी एक छोटे मोटे खिलाड़ी को आप खरीद लोगे बैकअप के रूप में तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद नंबर 5 रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो होने वाला है फॉरेन फास्ट बॉलर। इन्होंने ट्रेंट बोल्ट को जाने दिया है तो इनके पास सिर्फ कगिसो रबाडा है फॉरेन फास्ट बॉलर के रूप में, तो इनको बॉलर्स खरीदने पड़ेंगे और पर्टिकुलरली फॉरेन फास्ट बॉलर्स एक आदि तो खरीदना ही पड़ेगा। ऑप्शंस की बात करें तो भाई मिचेल स्टार्क का ऑप्शन है, आप स्टार्क को खरीद सकते हो, पैट कमिंस का ऑप्शन है, क्रिस जॉर्डन है, शेल्डन कॉटरेल का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है और एक टिमाल मिल्स का ऑप्शन है। मिल्स के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, टिमाल मिल्स बेंगलोर की तरफ से खेलते थे और टिमाल मिल्स के ऊपर बहुत कम टीमें बोली लगाने वाली है, तो ये आपको कम कीमत में भी मिल जाएंगे और बहुत अच्छा ऑप्शन टिमाल मिल्स रहने वाला है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। तो यही कुछ 5 रिक्वायरमेंट्स है जो निकल कर आ रही है। यहां पर अगर आप देखते हो तो भाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी सेटल है, इनकी प्लेइंग 11 भी अच्छी दिख रही है, बहुत स्ट्रांग टीम दिख रही है, सिर्फ कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो इनको पूरे करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली इनको बैकअप्स ही खरीदने हैं, मेनली सिर्फ बैकअप्स के ऊपर इनको टारगेट करना है, बाकी तो भाई इनकी जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो लगभग यही रहने वाली है। सो फिर यही थी पूरी दिल्ली कैपिटल्स की ऑक्शन स्ट्रैटेजी, मच अवेटेड वीडियो थी, बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे तो फिर आज पूरी बात कर ली। अब आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स की टीम किन को टारगेट करने वाली है, क्या रिक्वायरमेंट्स और हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए, नीचे कॉमेंट बॉक्स दिया गया है वहां पर आप सारी चीजें लिख के बता सकते हो। सो फिर मिलूंगा आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।